हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्कॉलर निर्वाणा में। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा जावा के बारे में बिल्कुल डिटेल में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, नॉर्मली मतलब देखने में तो लगता है कि हाँ जावा क्या है, मतलब आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस टॉपिक से कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते हैं और आप इसको क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और गारंटी देता हूँ इस बात की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आप बस अपने हेडफोन लगा लीजिए और इसको सुनते रहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम अगर जावा की स्टार्टिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पहले यही जान लेते हैं कि जावा है क्या। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जावा क्या है, तो सिंपल सी बात है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस आप इतना याद रखिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, वैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपके लिए पूरा देगा ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इतना कह सकते हैं कि जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल सी वे में कहेंगे तो जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के समय में वैसे देखा जाए तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड्स है, जिसमें से जावा का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब इतना यूज़ किया जाता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखेंगे तो जितने भी जावा कोड होते हैं वो इसी लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, अगर बात करें अभी के समय में, अभी हमारे वर्तमान जो हैं उसमें 3 करोड़ से भी अधिक डिवाइस में जावा का इस्तेमाल किया जाता है। 3 करोड़ से भी अधिक डिवाइसेस में जावा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के कारण या जो जावा है हमारी बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। मतलब जावा क्या है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा है। बात करें, ऐसा कोई उपकरण नहीं है, चाहे आपका एसी हो, ठीक है, डिजिटल फ्रिज हो, और क्या कहते हैं आपका एसी हो गया, डिजिटल फ्रिज हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपने देखा होगा कि मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इन सभी में जावा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? जावा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें जावा कोड का इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 3 करोड़ से भी अधिक डिवाइसेस में जावा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के कारण जावा एक हाई प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। इतने सारे डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है इसका, जिसके कारण जावा को हम क्या कहते हैं, एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी में रखते हैं। इसका प्रारंभ सबसे पहले 1995 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया। वैसे तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा का स्टार्टिंग नाम जावा नहीं था। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जावा का नाम जावा कैसे पड़ा। जावा का जो पुराना नाम था वो नाम था ओक, आपने सुना होगा ना ओक, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ओ ए के, ओक। ओक एक पेड़ का नाम होता था, ठीक है, ये जो पेड़ था ये मतलब एक सिंबल का प्रतीक होता था। सिंबल किस चीज़ का? स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक होता था। स्ट्रेंथ मतलब कि क्षमता, ठीक है। जो हमारे वेस्टर्न कल्चर होता था उसमें ओक का ट्री, एक पेड़ है जो मतलब स्ट्रेंथ का प्रतीक होता था। चाहे आप बात कर लें यूएसए की, फ्रांस की, जर्मनी की, रोमानिया, और भी मतलब जो वेस्टर्न देश हैं उसमें इस पेड़ को स्ट्रेंथ का प्रतीक माना जाता था, जिसके कारण इसका नाम ओक रखा गया था। समय बीतता गया और मतलब इसको मतलब नाम चेंज करने का सुझाव आया। अच्छा, नाम जावा मतलब नाम चेंज करा क्यों गया, ठीक है, और दूसरी बात, आखिर इसका नाम जावा ही क्यों रखा गया, इसके बारे में भी आप बता रहा हूँ। जैसे जब ये जावा प्रोग्राम बनाया गया, तो सिंपल सी बात है, जावा प्रोग्राम किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि किसी के निर्देश में बनाया गया, पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया था। हुआ क्या, जो इसकी टीम थी, जावा की टीम, जिस टीम ने जावा को बनाया, उस टीम का नाम था ग्रीन टीम। क्या नाम था? ग्रीन टीम। इसको याद रखिए आप पूरे अच्छे तरीके से। इन सब ने एकजुट होकर इस लैंग्वेज का मतलब निर्माण किया, जावा का निर्माण किया। उस वक्त इन्होंने इसका नाम ओक रखा था। बाद में कुछ लोगों ने इसका सजेशन दे के इसका नाम चेंज करने के लिए भी कहा कि हाँ, ओक जो है वो थोड़ा सा ही नहीं लग रहा, मतलब ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है लोगों का, जिसके कारण इसके कई सारे नाम सुझाए गए, जिसमें से एक था आपका डायनेमिक, ठीक है, इसको याद रखिए क्या नाम था, एक डायनेमिक। दूसरा नाम जो सुझाया गया था वो था रेवोल्यूशनरी, ठीक है, तीसरा था सिल्क, ठीक है,
सिल्क से कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, सिल्क। और एक नाम था जी ओट, ठीक है, यह याद रखिए, जी ओट। एक नाम क्या था, जी ओट, JIOT, जी ओट। और DNA भी सुझाया गया था, ठीक है, DNA, ठीक है। तो ये जो नाम थे इन सब पे सब मतलब पूरी टीम सहमत नहीं, क्योंकि ये नाम जो थे बहुत ही ज़्यादा मतलब ओल्ड से हो चुके थे, और मतलब ट्रेंड में भी नहीं थे, हम कह सकते हैं मतलब उस समय के हिसाब से ट्रेंड में भी नाम नहीं थे। और सिंपल सी बात, ये जो नाम थे जो इन्होंने मैंने अभी नाम बताया, ये सभी नाम उस समय की रिवोल्यूशनरी को भी शो नहीं कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण पूरी टीम जो हमारी ग्रीन टीम थी इस पे एकजुट नहीं हो पाई। बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स, नाम लिख दे रहा हूँ मैं, जेम्स गॉसलिंग, ठीक है, नाम याद रखिए, जेम्स गॉसलिंग। ये एक व्यक्ति थे, इन्हीं के मतलब अंडर में सारे काम हुए थे, ठीक है। और इनने लास्ट में जो दो नाम थे, ठीक है, उसको सजेस्ट किया, दो नाम जो बचे थे उसमें से एक आपका रह गया था केवल सिल्क, ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले, सिल्क याद रखिएगा, कुछ याद भी आया होगा, ठीक है। अरे एक पिक्चर में एक हीरोइन का नाम भी था सिल्क, ठीक है, कमेंट पे मुझे बताइएगा कौन सी पिक्चर थी वो, ठीक है। सिल्क, और दूसरा नाम सजेस्ट किया गया जावा, ठीक है। तो ये जो दो नाम थे ये सजेस्ट किए गए, और इसमें से जो जावा था ये सबसे यूनिक नाम मिला, जावा सबसे यूनिक नाम मिला, जिसके कारण जो हमारे व्यक्ति थे जेम्स गॉसलिंग, उनने जावा के नाम को रखने का मतलब पुष्टि कर दी कि हाँ यही अब इस सॉफ्टवेयर या मतलब इस भाषा का नाम रखा जाएगा। अच्छा, जावा इससे पहले आपने कहाँ सुना है, ठीक है, एक मतलब कैपिटल है, मतलब एक आइलैंड की कैपिटल है, आप बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट में, ताकि मैं मतलब थोड़ा और मतलब क्वेश्चन पूछा करूँ आपसे वीडियो में। तो जावा जो है वो किसकी कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, इस समय मतलब हिंट भी दे दे रहा हूँ, ये चीज़ चेंज हो चुकी है, जावा जो है ये चेंज हो चुकी है, जिस मतलब कंट्री की कैपिटल है वो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि जावा जो है वो प्रमुख डेवलपर में से एक है, ठीक है, मतलब इसके प्रमुख डेवलपर से एक कौन है, सन माइक्रो सिस्टम। जावा में लिखे गए सारे कोड इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में होने के कारण होता क्या है कि इसके सभी कोडों को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कोड न्यूमेरिक होता है तो हम उसको समझ नहीं पाते कि वो क्या है, और इंग्लिश में होने के कारण इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। और आपने एक लैंग्वेज का नाम और सुना होगा, C++, ठीक है, C++। इसमें क्या होता है, इसी लैंग्वेज के फंडामेंटल, ठीक है, जावा लैंग्वेज में शामिल किए गए हैं। एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे किटकैट आपने सुना होगा, लॉलीपॉप वर्जन सुना होगा, ओरियो वर्जन सुना होगा, ये सभी भी जावा के द्वारा डेवलप है। मतलब जो मतलब हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन चलते हैं उसमें जितने ही वर्जन चलते हैं, किटकैट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ओरियो हो गया, ये सभी जावा के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। आज के समय में वेब पेजेस जो भी बनाए जाते हैं, जो भी वेब पेजेस बनते हैं, उसको भी जावा के द्वारा चलाया जाता है, मतलब इसका भी संचालन कौन करता है, जावा करता है। चलिए थोड़ा सा पीछे यहाँ पर छूट गया था मैं, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। अच्छा, जावा जो है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया यहाँ पर, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की ये वाला चीज़ छूट गया था, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के बारे में इसके देख लेते हैं। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसको सीखने के लिए मतलब जब आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को सीखते हैं तो इस काम के लिए आपको जावा को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बिगर जावा के सीखे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कर ही नहीं पाएंगे, इसी के कारण जावा को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जावा को सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका यूजेस समझ में आ गया होगा, जावा का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है, जावा को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन दोनों चीज़ों के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, आगे हमारा क्या होता है, हाँ यहाँ पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, हम इसमें पढ़ रहे हैं जावा के वर्जन के बारे में। जावा के कुछ प्रमुख वर्जन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला वाला है JDK अल्फा एंड बीटा। इसको देखिए, सबसे पहले स्टार्ट किया गया है 1995 में, इसको स्टार्ट किया गया है, कब स्टार्ट किया गया, 1995 में। और फिर उसके बाद देखिए कई सारे वर्जन आए, लाइन से लिखे हुए हैं, सबसे पहले JDK 1.0 23 जनवरी 1996 में आया है, फिर JDK 1.1 19 फरवरी 1997 में आया है, ठीक है। फिर है J2SE 1.2 8 दिसंबर 1998 को लॉन्च हुआ ये, ठीक है। उसके बाद है J2SE 1.3
8 मई 2000 को आया ये, J2SE 1.4 6 फरवरी 2002 को आया है, J2SE 5.0 30 सितंबर 2004 को आया है, उसके बाद है Java SE 6, ठीक है, यहाँ से देखिए जावा नाम पड़ा है, SE 6 11 दिसंबर 2006 को आया है, उसके बाद है Java SE 7 28 जुलाई 2011 को आया है, और सबसे अंत में जो इस समय आया है वो है 2014 में, ठीक है, 2014 में देखिए 18 मार्च को आया 2014 में, और ये जो है SE 8 है, तो इसको ये याद रखिएगा। फिलहाल मैंने आपको जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस टॉपिक में अभी तक के मैंने आपको बता दिए। चलिए थोड़े से मतलब इस पे और बात करते हैं, जैसे आपने मतलब अभी मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था, क्या नाम था उनका, जेम्स, जे है ये, ठीक है, जे जेम्स गॉसलिंग, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये इसके कौन है, प्रमुख डेवलपर में से एक है, मतलब ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, मतलब जेम्स गॉसलिंग जो थे वो इनके प्रमुख डेवलपर में से एक थे, और जावा का जो उपयोग था मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंडर में हुआ, ठीक है, और जितने भी आपने देखा होगा मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है, गेम्स हैं, ई बिजनेस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ये सभी मतलब इन्हीं के द्वारा मतलब सुझाए गए थे, ठीक है, कि हाँ मतलब इन सबको वर्क में लाना है। इनके साथ दो व्यक्ति और थे, मैं बता रहा हूँ, माइक सेरिडन, ठीक है, माइक सेरिडन, और दूसरे थे पैट्रिक नॉटन, ने जावा लैंग्वेज का प्रोजेक्ट 1991 में स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने भी 95 बताया था, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। इन्होंने एक इंजीनियरिंग की मतलब इंजीनियर्स की टीम बनाई थी, और इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उस टीम का नाम ग्रीन टीम रखा था, जैसे मैंने ही बताया था ग्रीन टीम, तो इसको मैं थोड़ा सा बता नहीं पाया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ग्रीन टीम को मतलब क्यों बनाया गया। वो इस टीम को जो बनाया गया था ग्रीन टीम को, ये सिर्फ लैंग्वेज तैयार करने के लिए ही पर्पस से बनाई गई थी। बनाने वाले कौन थे, जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉटगन, ठीक है, तो ये तीन नाम याद रखिएगा। कब स्टार्ट किया गया था, 1991 में, ठीक है, एक इंजीनियर्स की टीम थी, इस टीम का काम क्या था, केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करना, कोड तैयार करना, ठीक है, इतना सा था बस, और बस अब ये टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मतलब कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे बस। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच।